दोस्तों नमस्कार, आइए आज की वीडियो में हम कुछ एडवांस लेवल के सवालों को लेकर चलें। हमारे पास में सवाल दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात 8:11 है, यदि एचसीएफ 24 हो तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो इस तरह के सवालों को करने के लिए दोस्तों हमारे पास में एक शॉर्टकट तरीका है, एम जमा एन। ये हमारे पास दो संख्याएं हैं एम और एन, ये इनका जो योगफल होता है, संख्याओं का योगफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बटे में एचसीएफ को रख देंगे। तो अब हमारे पास में इनका रेशियो 8:11 दिया हुआ है, तो एचसीएफ कितना हमारा दोस्तों 24, तो 8m जमा 11n की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 24 में, तो 24 की गुना 8 में और 24 की गुना 11 में, तो 24 की गुना 8 में की दोस्तों क्या आया हमारे पास में 192, और अगर हमने 24 की गुना 11 में की तो क्या आया हमारे पास में 264, किसके बराबर हुआ ये 456। तो दो संख्याओं को अगर जो हमारे 8:11 के अनुपात में और उनका एचसीएफ 24 है, तो उन संख्याओं का योगफल हमारा होगा 456। और ये दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़े कि अगर दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है और उनका एचसीएफ दिया हुआ है, तो ऐसी संख्याओं के कितने संभावित जोड़े हो सकते हैं। इस तरह के सवाल भी अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एडवांस लेवल के सवाल हैं और ये किसी भी परीक्षा में आ सकते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनको ज्यादा समय नहीं लगता निकालने में अगर हमको तरीका आता हो तो। इसमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं, दो संख्याओं का योगफल 216 है, उनका एचसीएफ 18 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने संभावित जोड़े हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4, आइए इसको निकालें। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि ये योगफल दिया हुआ है, तो यानी कि संख्याएं हमारी एम जमा एन है और सूत्र हमारा वही योगफल और डिवाइड में एचसीएफ। अब इसमें जो सबसे मेन बात है वो ये है निकालने की कि हमें ये जानना होगा कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहां जाकर के नंबर सिस्टम में आप देखें, वहां पे वीडियो मिलेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या है, को प्राइम नंबर्स क्या है, कंपोजिट नंबर्स क्या है। तो देखिए, ये को प्राइम नंबर्स पर आधारित सवाल है। को प्राइम नंबर्स या सह अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका सिर्फ एचसीएफ 1 हो, तो वो ही हमें यहां पे तलाश करना है। अब यहां पे योगफल हमारा 216 है और एचसीएफ हमारा 18 है, अगर हम इनको काटें तो क्या आया हमारे पास में दोस्तों 12, कि अगर हम 216 को 18 से डिवाइड करें तो 12। अब जो हमारे पास ये दो संख्याएं हैं, इन दो संख्याओं का योगफल 12 है, समझना है दोस्तों, एम जमा एन 12, इन दो संख्याओं का योगफल 12 है। अब जोड़े तलाश करने हैं, हमें दो जोड़े वो लेने हैं जिनका योगफल सिर्फ और सिर्फ 12 आए और वे को प्राइम नंबर्स हों। तो ऐसे दो जोड़े कौन से हो सकते हैं, 1 और 11। अगर हम 11 और 1 को प्लस करें तो 12 के बराबर होगा और दोनों संख्याएं ये को प्राइम है एक दूसरे के, इनका सिर्फ एक 1 ही कॉमन फैक्टर है। और दूसरा जोड़ा है हमारे पास में 5 और 7, अगर 5 और 7 को हम जोड़ें तो हमारा योग किसके बराबर आएगा 12 के, और दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, तो कितने जोड़े संभव हैं हमारे पास में, आंसर है इसका बी, दो जोड़े संभव हैं। आइए इसको हम प्रूव भी करें कि अगर हम ये जोड़ा लेके चलें 1 और 11 का, और हमारा एचसीएफ कितना है 18, अगर 18 की गुना हम 1 में करें दोस्तों तो क्या आया हमारे पास में 18, और 18 की गुना हम दोस्तों अगर 11 में करें तो क्या आया 198, और अगर हम इसका टोटल करें तो कितना आया 216, करेक्ट है बिल्कुल। आइए इसको हम 5 और 7 से भी करें कि अगर हम 18 की गुना इस 5 में करें तो किसके बराबर होगी 18×5=90, और 18 की गुना हम 7 में करें दोस्तों क्या आया 126, अगर हम इन दोनों को भी जोड़ें तो हमारा कितना आया 216।
तो ये प्रूव हो गया कि हमारे पास में दो जोड़े संभव हैं। तो को प्राइम नंबर को जानना बहुत जरूरी है, उसके लिए आप वीडियो देखें। और दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर आप पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना भी ना भूलें। आइए और उदाहरण लेके हम चलें कि दो संख्याओं का योगफल उसके एचसीएफ का 15 गुना है, ऐसी दो संख्याओं का कितने संभावित जोड़े हो सकते हैं ज्ञात करो। एचसीएफ कितना दिया हुआ है इसमें 11, एचसीएफ बराबर है इसका 11। दो संख्याओं का योगफल सूत्र वही एम जमा में एन, तो एम जमा में एन हमारे पास में योगफल कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स इसमें हमारा 15 गुना एचसीएफ का 15 गुना, यानी कि 15 गुना है और एचसीएफ कितना हमारा 11, तो 11 गुना हो गया। तो एम जमा एन कितनी आई निकल के, एम जमा एन आई हमारे पास में 15 कि दो संख्याएं हैं, अगर उन दोनों संख्याओं को हम जोड़ें तो उनका योग होगा दोस्तों 15। लेकिन वे जो दो संख्याएं हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि वे को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो संभावित जोड़े कौन कौन से हो सकते हैं, योग हो हमारा 15, तो एक है हमारे पास 1 और 14, एक जोड़ा हमारे पास ये आया, दूसरा हमारा आया 2 और 13, ये भी को प्राइम जोड़ा है, तीसरा आया हमारे पास में 4 और 11, ये भी को प्राइम है, और चौथा जोड़ा आया दोस्तों हमारे पास में 7 और 8, ये भी को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो कितने पेयर हमारे पास हुए, 4 पेयर हुए। हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है दोस्तों, ये ठीक है। अब दो संख्याओं का देखिए, इस तरह का सवाल भी आपको मिल सकता है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 3888 और एचसीएफ है उनका 18, तो ऐसी दो संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं, कितने जोड़े हो सकते हैं। इस तरह के सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये भी हमें सीखने बहुत जरूरी हैं। और जिन दोस्तों को ये आते हैं तो वो दोस्तों वीडियो देख करके आप प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी संख्याओं का, ऐसी संख्याओं के जोड़े निकालने, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या हमारी एम गुणा में एन, और कितना दिया हुआ है 3888, तो एचसीएफ कितना है 18, यानी कि एचसीएफ का स्क्वायर, ये सूत्र है। अब ये स्क्वायर देखो है क्यों आया दोस्तों, एम गुणा एन, यानी कि अगर मैं 18 की मल्टीप्लाई एम में करूं, 18 की मल्टीप्लाई एन में करूं, तो यहां 18 गुणा 18 हो गया, 18 गुणा 18, यानी कि अगर ये नीचे आएगा 18 तो उसका स्क्वायर हो गया। अब इसको हम निकालते हैं, तो एचसीएफ हमारे पास कितना है यहां पे दोस्तों 18, 3888 को मैं 18 गुणा 18 से अगर डिवाइड करता हूं फ्रेंड्स, तो क्या आएगा मेरे पास में, कट करके 16, यानी कि वे दो संख्याएं जिनका 16 नहीं दोस्तों 12 आया, मेरी थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत हो गई, माफ करना, अगर मैं इनसे इनको काटूं तो 12 आएगा। तो वे दो संख्याएं हैं कि जिनका गुणनफल 12 आए और को प्राइम नंबर्स हों, तो कितने जोड़े संभव हैं। तो एक है हमारा 1 और 12, 12 एकम 12, और 3 और 4, 3 चौक 12, दोनों संख्याएं हमारी को प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन अब दोस्तों आप ये भी कह सकते हो कि 2 प्राइम तो भाई 2 गुणा 6 भी हो सकता है, 6 दूनी 12, लेकिन ये को प्राइम नंबर्स नहीं है, क्यों नहीं है, आइए इसका एचसीएफ देख लेते हैं, 2 और 6, तो ये किससे कट रहा है दोस्तों, दोनों संख्याएं 2 से, 2 एकम 2, 2 3 6, लेकिन ये क्या आया यहाँ पे एचसीएफ 2, और होना चाहिए कितना को प्राइम नंबर का, सिर्फ 1, इसलिए ये नहीं है। तो कितने जोड़े संभव हुए यहाँ पे, 2 जोड़े संभव, हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है ये, लेकिन इसको प्रूव भी करना बहुत जरूरी है। तो आइए प्रूव कर लेते हैं कि अगर हम 1 और 12 को लेकर चले, इस पेयर को लेकर चले, तो 12 एक 18 है, 18 एकम 18, और 18 की गुणा अगर मैं 12 में करूं तो 216, और 18 गुणा 216 करूं तो दोस्तों निकल कर आएगा 3388, और दूसरा पेयर है मेरे पास में
तीन और चार का, अगर मैं चार में गुणा करूं 18 की तो दोस्तों क्या निकल के आया 72, और तीन में गुणा करूं 18 की तो कितना आया 54। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं 72 और 54 का तो किसके इक्वल होगा 3388 के। तो प्रूव हो रहा है कि हमारे पास में दो जोड़े सिर्फ हो सकते हैं कि अगर उनका एचसीएफ 18 हो और गुणनफल उनका निकल के आए 3388। आइए दोस्तों इसमें एक उदाहरण और लेकर चलते हैं। जो सवाल मैंने सबसे पहले किया था ना उसी के आधार पर कि दो संख्याओं का योगफल 528 है तथा इनका एचसीएफ 3300, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। जो सबसे पहले एग्जाम्पल किया था उसमें वो संख्या रेशियो में दी हुई थी 8:11 में, ध्यान हो आपके। तो आइए इसको देखें कि दो संख्याओं का योगफल, योगफल आ रहा है तो एम जमा में एन कितना है दोस्तों 528, और एचसीएफ कितना है इसका 33। तो अगर हम 528 को 33 से डिवाइड करें तो किसके इक्वल होगा ये 16 के। अगर हम किसको भाग दें 528 को 33 से तो 16 इसका उत्तर आएगा। तो एम जमा एन वे दो संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं हैं जिनका योग 16 आता है, लेकिन वे को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं फ्रेंड्स कि इन सवालों में को प्राइम नंबर्स पे ध्यान दिया जाता है, मेन है इस पे को प्राइम नंबर। तो एम जमा एन ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं कि जिनका योग 16 आए। तो फ्रेंड्स ऐसी संख्याएं हैं 1 और 15, 15 और 1 16, और 1 और 15 दोनों को प्राइम है एक दूसरे के। फिर है 3 और 13 का को प्राइम 1 है। फिर है हमारी 5 और 11, ये भी को प्राइम नंबर है, जोड़ा है, को प्राइम जोड़ा, सहभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों ये। 7 और 9 को जोड़ेंगे तो 16 आएगा, और दोनों संख्याएं सह अभाज्य को प्राइम नंबर्स हैं। तो कितने पेयर हुए हमारे पास में 4। हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला। तो वीडियो दोस्तों आपको अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जल्द ही मिलते हैं और अच्छे अच्छे सवाल लेकर के आपके सामने। तो इजाजत दीजिए, जय हिंद।